जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। शनिवार का दिन 27 मई, आज मघा नक्षत्र है। रात 11:43 तक और मघा नक्षत्र का केतु बड़ा बलवान होकर आपकी कुंडली में आपको चतुराई दे रहा है, विलासी बना रहा है। कांतिमान आप होंगे, सूरवीर होंगे, त्यागी होंगे, साहसी होंगे, उदार होंगे। आपके अंदर साहस होगा, सौभाग्य होगा, सुख की प्राप्ति होगी। उसके बाद पूर्वा फागुनी नक्षत्र जो आपको भाग्यशाली बना रहा है। आज व्याघ्यात योग 7:58 तक, उसके बाद हर्षन योग है। जेठ मास शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि है। आपकी कुंडली में केतु शुक्र का प्रभाव, राहु की छाया, मंगल बृहस्पति की दृष्टि है। आज केतु स्वाति नक्षत्र में राहु से प्रभावित है, जबकि शुक्र आज मृगशिरा नक्षत्र में मंगल के प्रभाव से प्रभावित है। वहीं मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति से प्रभावित है और बृहस्पति अश्वनी नक्षत्र में केतु से प्रभावित है। केतु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव आपको बड़ा भाग्यशाली बना रहा है। आपके जीवन में जो सुख, समृद्धि, सौभाग्य, लाभ और धन की प्राप्ति होती है, आपका जो मान सम्मान बढ़ता है, सब कुछ शुक्र से प्राप्त होता है। जबकि केतु अचानक धन समृद्धि लाभ का अवसर बनाएगा। बेहतर समय है आपके लिए, तरक्की समृद्धि का योग है, क्योंकि आज का दिन मंगल और बृहस्पति की दृष्टि से आपके जीवन में बड़े लाभ के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। आपका पारिवारिक जीवन बड़ा सुंदर होगा, बड़ी सफलता आप प्राप्त करेंगे। आप में साहस है, हर काम को करने में आप सक्षम हैं। आज शुभ फल की प्राप्ति और आपके जीवन में बड़ी तरक्की देखने को मिलेगी। आज आपके मन में खुशी भी होगा और आपके जीवन में लाभ का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बड़ा सुख संपत्ति को बढ़ाने वाला साबित होगा। बड़ी सफलता, धन कमाने का साधन, इच्छा मनोकामना, अपनी शक्ति से बड़ी सफलता प्राप्त करना, मेहनत से सुख पाना, धन समृद्धि से परिपूर्ण, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, आपके संबंध अच्छे होंगे, इच्छा आपकी जागृत होगी। बड़े सौभाग्यशाली आप हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। जिस भी काम को आप कठिन परिश्रम से करेंगे, वो काम आपके सफल होंगे। आपकी बुद्धि आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा और अपने साहस से अपने प्रभाव में आप वृद्धि करेंगे। आज का दिन हर तरह से आपके लिए लाभ सौभाग्य लेकर आया है। जीवन के संकट समाप्त होने को हैं और आपके लिए बड़े सुख संपत्ति का अवसर बनेगा। आत्मविश्वास आपका जागृत होगा और आपके आज सारे काम बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज ये केतु और शुक्र के प्रभाव से कार्य में सफलता, आपके व्यक्तित्व में तरक्की, शुभ स्थिति, ऊर्जा को बढ़ाता है, शानदार अवसर देता है, भाग्य भी आपका साथ देता है, आनंद की अनुभूति, बड़ी उपलब्धि और मन की अभिलाषा आपकी पूरी होती है। आज का दिन 4 चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी मंगल है, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है, तृतीय चरण का स्वामी बुध, चतुर्थ चरण का स्वामी सूर्य है। तो आज का दिन बेहतर स्थिति आपके जीवन में सिद्ध फल प्रदान करेगा। आप मेहनत करते जाएं, घर परिवार में खुशियां बढ़ेगी। समय शुभ है, आप भाग्यशाली हैं, खूब तरक्की करेंगे, धन संपत्ति कमाएंगे। आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज शनिवार का दिन है। शनि के छोटे उपाय से आपके जीवन में
तरक्की देखने को मिलेगी। आज आप शनिदेव का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, निश्चित ही आपके अधूरे काम पूरे होंगे। आज राहु काल 8:52 से 10:35 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें। पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत न करें। आपके लिए लक्की कलर ऑरेंज या गोल्डन होगा और लक्की नंबर 8 होगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02, अमृत काल रात्रि 9:02, अभिजीत मुहूर्त 11:51 और विजय मुहूर्त 2:36 आपके लिए शुभ होगा। आज आप जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज दिन आपके लिए सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला साबित होगा। अपने मेहनत से अपने जीवन में धन वैभव कमाएंगे और आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि आज केतु शुक्र के प्रभाव से संतान का सुख मिलेगा। साहस से इच्छा परिपूर्ण होगी, भाग्य भी आपके चमकेंगे और जीवन में शुभ काम भी आप करेंगे। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।